ओम नमः शिवाय। दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज मैं लेकर आई हूँ बेसन और दूध का बहुत टेस्टी और बहुत अमेजिंग रेसिपी। क्या कभी आपने सोचा है कि बेसन में दूध घोलकर आप बहुत ही महंगी रेसिपी जो मार्केट में मिलती है उसे आप घर पर बना सकते हैं बड़े ही आसान तरीके से। ये बहुत टेस्टी होता है। आप इसे बनाएंगे तो खाने वाला भी जो है पहचान नहीं सकेगा कि ये आपने घर पर बनाया है। जो भी खाएगा वो आपकी तारीफ करते बिल्कुल नहीं थकेगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी की पूरी वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों, ताकि आप भी इसे बना सकें और लोगों को खिला सकें। तो बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। 2 कप के लगभग हम जो है बेसन ले लेंगे। पहले मैंने 1 कप लेके स्ट्रेन कर लिया है। अच्छे से चाल लेंगे। देखिए लास्ट में इसमें गंदगी निकलती है, तो बेसन को ज़रूर चाल लीजिए, बिना चाले बेसन ना लें। तो 2 कप हम जो है बेसन ले लेंगे और इसे अच्छे से जो है चाल लेंगे। आप कोई भी बेसन ले सकते हैं, मोटा हो या पतला हो, बस उसे चालना ज़रूरी है। तो अच्छे से उसे छान लें। फिर इसके बाद जिस मेजरमेंट से हमने जो है बेसन लिया था उसी से हम ले लेंगे दूध। 1 कप पूरा भर के दूध लेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम और थोड़ा सा ऐड कर लेंगे। तो हम थोड़ा थोड़ा दूध को डालेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। एक साथ दूध नहीं डालेंगे, इसमें गाँठें ना पड़े, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा सा दूध इसमें ऐड करते जाएंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। आप मिक्स करने के लिए चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध और बेसन का ये रेसिपी बहुत टेस्टी बनता है। आप बाज़ार से लेने जाए तो आपको मिलेगा 200 के लगभग के आसपास 1 किलो मिलेगा आपको ये चीज़, लेकिन आप इसे घर पर बड़े आसान तरीके से बना सकते हैं। इसे कोई भी घर पे आराम से बना सकता है। बेसन के साथ दूध ऐड करने से इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करके इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी भी ये बहुत ही गाढ़ा है बेसन, अच्छे से ढीला करना है हमें, थोड़ा सा पतला रखना है। तो हम इसकी जगह पे थोड़ा सा और दूध ले लेंगे। ये अभी काफ़ी गाढ़ा है, इसलिए हम इसमें कम से कम 2 से 3 चम्मच के लगभग दूध और ऐड करेंगे। थोड़ा सा दूध और ले लेंगे और इसमें डाल के इसका एक स्मूथ बैटर तैयार कर लेंगे। पतला बैटर होना चाहिए, बहुत गाढ़ा नहीं रखना है। तो हमें जितनी ज़रूरत पड़े, ज़रूरत के अनुसार हम इसमें दूध मिला सकते हैं। तो दूध मिला लेंगे सारा और इसको अच्छे से मिक्स करके एकदम स्मूथ बैटर तैयार कर लेंगे। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबा लें, ताकि मेरी जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहले पहुंचेगी। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से पतला स्मूथ बैटर तैयार हो गया है। इसे हम ढक के 10 मिनट के लिए अलग रख देते हैं। अब हम लेंगे मिक्सी ग्राइंडर। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप के लगभग हम इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी आप जो है मोटी हो या पतली हो, जैसी भी हो, आप हमें पीसना है तो चीनी आप ले लें 1 कप। अगर आप मीठा कम पसंद करते हैं तो कम लें। अब हम ले लेंगे इसमें 8 से 10 के लगभग छोटी इलायची ले लेंगे और उसके छील के बीज हम इसमें चीनी में ऐड कर देंगे। आप कोई और फ्लेवर डालना चाहते हैं तो आप इसमें और फ्लेवर डाल सकते हैं। अगर आप छोटी इलायची पसंद नहीं करते तो आप इसे स्किप कर दें, लेकिन अगर आप पसंद करते हैं तो आप छोटी इलायची ज़रूर डालिए। इससे इसका खुशबू बहुत अच्छा आता है। और जो छिलके बचते हैं इसे आप जो है चाय की पत्ती की डिब्बों में डाल दीजिए, तो चाय की खुशबू बहुत अच्छी आती है, फ्लेवर भी अच्छा आएगा। तो इस तरीके से हम चीनी को बारीक पीस लेंगे, एकदम महीन पाउडर की तरह बना लेंगे और हम इसे रखेंगे साइड में। 10 मिनट के बाद हम बेसन चेक कर लेंगे। बेसन अच्छा सा सेट हो गया है। अब हम लेंगे 1/2 कप के लगभग हम शुद्ध घी ले लेंगे। देखा जाए तो मैं बड़े वाले चम्मच से 5 चम्मच मैंने खाने वाला घी लिया है। खाने वाला घी का इस्तेमाल हम इसमें करेंगे और पैन चढ़ा देंगे। गैस ऑन नहीं करेंगे अभी, पहले हम घी डाल देंगे अच्छे से इसमें। और इसी घी में हम डालेंगे ये बेसन का बैटर जो हमने तैयार किया है, वो इसमें डाल के अच्छे से घी के साथ मिक्स करेंगे, घी के साथ चलाएंगे। और अब हम गैस को ऑन कर देंगे एकदम लो फ्लेम पे और इसको हम चलाते जाएंगे, ताकि ये जो घी है ये बेसन में अच्छे से अब्जर्व हो जाए। हमें सारा रेसिपी
लो से मीडियम फ्लेम के अंदर ही करना है, हमें हाई फ्लेम में नहीं बनाना है। तो हम लो फ्लेम में ही रख कर इसे चलाते जाएंगे और चलाते रहना है ताकि ये तली पे ना लगे और घी अच्छे से बेसन में मिक्स हो जाए। दोस्तों, हम लोग बाज़ार से महंगी महंगी मिठाइयाँ खरीद के लाते हैं जिसकी कोई गारंटी नहीं होती कि वो बिल्कुल ही शुद्ध बनाते होंगे। जितने भी हम बाज़ार से मिठाई खरीद सकते हैं उससे कम दाम में हम घर पर ही बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल साफ़ सुथरी बिना मिलावट की चीज़ें हम घर पर बना के तैयार कर सकते हैं। यही मिठाई मार्केट में कम से कम 150 से 200 रुपये के लगभग मिल जाती है। उससे कम रेंज में ही हम घर पर ये बना के तैयार कर सकते हैं बिना किसी मिलावट के। हम पूरे परिवार को अच्छी और टेस्टी मिठाई भी खिला सकते हैं। त्योहारों में इसे आप बनाएं या फिर आप जो है बृहस्पतिवार के व्रत में हो तो आप इसे बना सकते हैं, भगवान को चढ़ा भी सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बढ़िया सा जो है घी एब्जॉर्ब कर लिया है बेसन और इसे चलाते रहना है। कम से कम हो गया है 5 से 6 मिनट और ये एकदम भुरभुरा हो जाएगा। इस तरीके से एकदम भुरभुरा कर देना है। अब हम इसमें डालेंगे 3 से 4 चम्मच के लगभग मोटी वाली सूजी डाल देंगे इसमें और इसे मिक्स करेंगे। और जो हमने चीनी मिक्स पीस के रखी है उस चीनी को हम इसमें डाल देंगे। अब सभी चीज़ों को अच्छे से चलाते रहना है, लगातार इसे हमें चलाना है, लो से मीडियम फ्लेम के बीच में ही रखकर हमें चलाना है। कम से कम 5 से 6 मिनट हम इसे चलाएंगे। सूजी डालने से ये दानेदार बनेगा, काफ़ी टेस्टी आएगा इसका स्वाद। इसे हमें चलाते रहना है, ये बहुत अच्छे से भुरभुरा हो जाएगा। इसका स्वाद बर्फ़ी की तरह लड्डू की तरह आएगा, जैसे बेसन के हम लड्डू बनाते हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच के लगभग शुद्ध घी और डाल देंगे ऊपर से। इससे ये चीनी और जो है जो सूजी है अच्छे से मेल्ट होगा इसमें और इसको हम दबा दबा के चलाते रहेंगे। चलाते रहना है, हमें छोड़ना नहीं है, नहीं तो तली पे लग सकती है और इसका ये भून जाता है बेसन, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और इसकी खुशबू भी अच्छी आने लगेगी। चलाते हुए कम से कम हो गया है 4 से 5 मिनट के लगभग हो गया है। अब आप देख सकते हैं धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है, चीनी हमने डाला है इसमें मेल्ट हो रहा है और अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा। और इसे हमें लगातार चलाना है, एकदम ड्राई कर देना है। हाथों से आप इसे जब गोला बनाएंगे तो ये अगर हाथ में चपक रहे हैं तो इसे कुछ मिनट के लिए और भूनना है। और जब कुछ भून जाए, जब तक हाथ में आप इस तरह से देखिए गोला बनाए और हाथों में बिल्कुल भी ना चपके, तो समझिए डो तैयार हो गया है बन के, हाथों में बिल्कुल नहीं चमक रहा है। तब अभी इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, एकदम गर्म नहीं रखेंगे। अब हम एक ले लेंगे थाली, उसमें थोड़ा सा घी ग्रीस कर लेंगे और ड्राई फ्रूट्स हम काट के रखेंगे। मैंने बादाम अच्छे से चॉप कर लिया है बारीक और उसको इसी थाली पर अच्छे से फैला देंगे पूरे थाली में। ऑफिस के बाद जो हमने बेसन का डो तैयार किया है उसको इसमें डाल के पूरी थाली पे अच्छे से फैला देना है। थोड़ा सा दबा दबा के फैलाना है, सेट हो जाएगा पूरा। तो हम इसे कम से कम आधा से 1 घंटा आप ठंडा होने के लिए रख दें और अगर जल्दी चाहते हैं तो आप इसे फ्रिज में रख दें। फ्रिज में आधा घंटा रख देंगे, ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा, सेट हो जाएगा और आराम से कटेगा भी। अब ये पूरे आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है, मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था। तो अब हम इसे पलट लेंगे चाकू की सहायता से, साइड से कट कर लेंगे तो ये आराम से थोड़ा सा पुश करेंगे दबा के तो ये निकल जाएगा। फिर इसे हम चाकू से कट कर लेंगे। ये बहुत टेस्टी बन के तैयार हुआ है ये बर्फ़ी बेसन की। आप इसे जो है घर पे किसी भी त्यौहार पे बनाइए। अब दीपावली आ रही है करीब, तो आप इस दीपावली भी बना सकते हैं, भाई दूज भी बना सकते हैं। इस मिठाई को ट्राई ज़रूर करिए दोस्तों। कैसी लगी ये रेसिपी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने राय विचार कुछ भी हो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं फिर से नई रेसिपी नई वीडियो के साथ आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।